हरियाणा के रेवाड़ी में एक बड़ा हादसा हो गया है। रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा धरोहेड़ा में लॉन्ग लाइफ नाम की कंपनी में बॉयलर फटने से 40 से अधिक कर्मचारी घायल हो गए। सभी घायल कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली लाइफ लॉन्ग कंपनी में अचानक बॉयलर फट गया। जैसे ही बॉयलर फटा, कंपनी में जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। आग लगने से कंपनी में काम कर रहे कर्मचारी बुरी तरीके से झुलस गए, जिसके बाद तुरंत प्रशासन को सूचना दी गई। दमकल विभाग सहित एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। वहीं निजी वाहन और एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ये बता रहे हैं कि भाई धारोड़ा क्षेत्र में कोई लाइफ लॉन्ग कंपनी है, उसमें कोई बॉयलर फटा है या चिमनी पट्टी है, कुछ ऐसे है वहाँ अच्छा हुआ है जो यहाँ घायल ट्रामा सेंटर रेवाड़ी आ रहे हैं। जैसे सूचना मिली है, यहाँ देखा घायलों की संख्या थी और जो जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी उनको रोहतक के लिए रेफर किया जा रहा है। बाकी सभी डॉक्टर वगैरह उपचार के लगे हुए हैं। स्थिति अभी पीसफुल है। कोई सर ये कभी कुछ ऐसे पूरा जाँच पड़ नहीं हो, जाँच पड़ताल करने के बाद जैसी सूरत होगी वैसे वो पता करी जा रही है। और अभी कुछ मामला के बारे में पता नहीं चल पाया कि क्या मामला था, कैसे क्या हुआ। कंपनी में क्या क्या नहीं हुआ वो बंदे ही बता सकता है आपको। कंपनी में सुनने में आग लग गया, कई बंदा घायल है 20-25। वहाँ से अगर कंपनी ना कोई फोरमैन आया, ना सुपरवाइजर है, ना कंपनी का कोई आदमी आया है। वहाँ पे एक आदमी फ़ोन किया तो धारवाड़े में भर्ती है जो आदमी, हॉस्पिटल में बोला रेवाड़ी में रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद यहाँ पे आया तो एक भी अंग्रेजी नहीं मिल रहा है मेरा, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हालांकि इस मामले पर रेवाड़ी के डॉक्टर ने बताया है कि इस हादसे में करीब 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 दर्जन रेवाड़ी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। कुछ घायल अलग अलग प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। घायलों में 2-3 लोगों की हालत ज़्यादा नाजुक है, जिन्हें रोहतक PGI रेफर कर दिया गया है। ये धारोड़ा में एक जो है ना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें किसी फैक्ट्री में कोई बॉयलर जो है फट गया है, जिसमें काफ़ी बर्न इंजरीज है। और पता लगते ही इमीडिएट हमने एम्बुलेंस यहाँ से जो 10 वहाँ भेज दी गई थी, वहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है। वहाँ उन्होंने कहा कि अभी स्टेबल है जी, रेफ़र करने की जरूरत नहीं, अभी एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उनको बता दिया जब भी कोई जरूरत हो पता। यहाँ रेवाड़ी में भी IMA को हमने अलर्ट कर दिया, सभी हॉस्पिटल को अलर्ट कर दिया है कि इस तरह का पेशेंट जो डायरेक्ट वहाँ जाता है तो उसका अच्छे से केयर किया जाए। हमारे यहाँ अभी 23 पेशेंट एडमिट है, सभी स्टेबल है। हमारी दोनों सर्जन भी सारी टीम के साथ लगी हुई है, उनको सारी केयर दी जा रही है। एक पेशेंट हम सीरियस था जो हम रोहतक रेफर कर चुके हैं, अभी 2 पेशेंट और एम्बुलेंस में शिफ्ट करेंगे। और जब तक ये सारा अच्छे से मैनेज नहीं हो जाता है हमारी टीम यहाँ काम करती रहेगी। और देखो एब्सोल्यूट नंबर तो अभी कई प्राइवेट में सीधे गए होंगे मैं नहीं कह सकता, लगभग 40 के आसपास मुझे एस्टिमेट है कि इस हादसे में इंजर्ड हुए हैं जो टोटल प्राइवेट। नहीं, अभी तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। एक सीरियस पेशेंट था जो हमारे यहाँ आया था, हमने उनको रेफर कर दिया PGI में, अभी वो एडमिट हो गया, स्टेबल है। लेकिन बॉयलर कैसे फटा, हादसे की असल वजह क्या रही, किसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल घायल कर्मचारियों के परिजन कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं।